कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत की खबरें जानना चाहते हैं, कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपकी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हो सकता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुवैत में आज काफ़ी ज़्यादा न्यू अपडेट हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ जिनसे कुवैत ने और इंडिया ने आज बात की थी, जिसमें काफ़ी सारे फैसले हुए और फैसले होने के बाद में उनमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें के बताया गया कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया के अंदर जो लड़ाई चल रही है तो दोनों कंट्रियों ने मिलकर फैसला किया और फैसले में ये कहा हम आपके साथ रहेंगे, आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। यानी कि दोनों जो है देशों में अच्छी मेल जोल रहे हैं और दोनों देशों के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ वो यही चीज़ का कि जो जिसका कानून है वो अपने हिसाब से उस देश में रहेगा, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ये दोनों देशों के बीच में आज फैसला हुआ है, बड़ी अच्छी बात है ये। और अगली जो बात ये है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ ये है जैसे मिस्री, एक मिस्री काफ़ी टाइम पहले जो है उसको गिरफ्तार किया गया था। वो गिरफ्तार इसलिए किया गया था कि उसने जो था एक वजीर का जो था वहाँ पे हैक किया था कंप्यूटर वगैरह और उनका आईडी वगैरह हैक किया था, उसके और जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया था न्यूज़ वगैरह पे। तो आज उस जो है कुवैती गवर्नमेंट ने उसको रिहा करने का जो है रिहा करने की परमिशन दे दी है। ये भी जो है रमज़ान के मुबारक महीने में ये सारी चीज़ हो रही है और ये कोरोना वायरस को होते हुए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट थी, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा जो है लोग हो रहे हैं, कोरोना वायरस का जो है उनके अंदर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो इसी तरह से एक जगह पे लगभग 11 लोग पॉजिटिव पाए गए और जो 11 लोग थे उनके साथ में जो लोग रहते थे 100 प्लस लोग थे तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। तो अगर आप भी इस तरह से रहते हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है कि भाई हमारे साथ में रहने वाले के साथ में जो है खांसी नज़ला जुकाम या किसी भी तरह से उसके दर्द वगैरह होता है तो उससे दूरी बना के रखें, नहीं तो आपको भी ये परेशानी हो सकती है और आपको भी क्वारंटीन होना पड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेंगे आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि अभी क्या चल रहा है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं जो कुवैत में 24 घंटे के अंदर कितने केसेज आए और क्या क्या है उसके बारे में आपको अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेथ, जो मरने वालों की संख्या जो है कुवैत के अंदर वो 22 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में जो है 2 की मौत और हो चुकी है और इसमें जो रिकवरी हो चुकी है वो 1000 यानी कि 1012 लोगों की रिकवरी हो चुकी है और जिसमें आईसीयू में जो है वो 64 लोग हैं। एक्टिव अभी भी केस जो हैं एक्टिव 2254 केसेस एक्टिव हैं और पिछले 24 घंटे में जो आए हैं वो 213 केस आए हैं पिछले 24 घंटे में। काफ़ी ज़्यादा केस आए हैं पिछले 24 घंटे में और टोटल जो हो चुके हैं 3288 केस हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें ट्रेवल कितने लोगों ने किया। 213 लोगों में 31 लोगों ने ट्रेवल किया है, जिसमें के 24 लोग कुवैती थे, कुवैत थे, बाकी अदर कंट्री के लोग थे जो कि उनके कॉन्टैक्ट में रहने से आया है। अब बात करते हैं कितने कॉन्टैक्ट में रहने से कितने लोगों को जो है पॉजिटिव पाया गया है। तो 177 लोगों को जो है कॉन्टैक्ट में रहने से ये कोरोना वायरस हुआ है। तो आप भी इस तरह से रहते हैं कहीं भी किसी भी तरह से तो आप भी अपनी सेफ्टी ज़रूर रखिए और कहीं पे निकलते हैं मास्क वगैरह ज़रूर यूज़ कीजिए, मार्केट वगैरह जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कंट्री बाय कंट्री कितने किस कंट्री के हैं। तो 38 बंदे जो हैं वो कुवैत कंट्री के हैं, सबसे ज़्यादा जो हैं आज वो कुवैत के पाए गए हैं, जिसमें 38 लोग जो हैं कुवैत के हैं, 61 लोग इंडिया के हैं, 13 लोग बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के 5 लोग हैं और बाकी अदर कंट्रियों के दो दो तीन तीन चार चार इस तरह से लोग पाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी और सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। आपको भी इस चीज़ से बचना है और बचने के लिए आपको पता है कि बाहर नहीं निकलना है, कर्फ्यू का पालन करना है और बाहर निकलते हैं तो ज़रूरत के मुताबिक निकलिएगा जो टाइम आपको दिया हुआ है और किसी भी तरह से लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिए ताकि आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो पाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।